नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना किसी भी सोर्स का। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पोटेंशियोमीटर। यहाँ पे ना मैं आपको ज़्यादा जो है डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखाऊंगा, वो तो आप किसी भी बुक से देख सकते हैं। मेन चीज़ है कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, ठीक है, कंसेप्ट क्या है, ठीक है, मेन चीज़ इसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियल को मेज़र करने के काम आता है, सीधी सी बात है। अगर ये पोटेंशियल मीटर जो ये पोटेंशियोमीटर है, अगर ये पोटेंशियल को मेज़र करने के काम आता है, तो फिर वोल्टमीटर किस काम आता है? वोल्टमीटर भी जो है पोटेंशियल को मेज़र करने के काम आता है। ये पोटेंशियोमीटर है जो ये सोर्स का जो पोटेंशियल है उसको मेज़र करके हमको देता है। वोल्टमीटर हमको जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताता है। जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर को चलाने के लिए, वोल्टमीटर को जब हम लगाते हैं उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत स्लाइटली उसमें जो है करंट देनी रहती है, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाता। तो ये इस तरह से इनमें जो है डिफरेंस होता है। अब फिलहाल हम बात करते हैं इसकी पोटेंशियल मीटर की, पोटेंशियोमीटर की, ठीक है, कि ये किस किस तरह से काम करता है। अब देखो दोस्तों, ये क्या है, ये एक मीटर का वुडन बॉक्स है और यहाँ पर ये ऐसे एक वायर है, एक मीटर ऐसे, फिर यहाँ पे कनेक्ट हुई, फिर यहाँ पर ऐसे, ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे और फिर यहाँ पर ऐसे, यहाँ से इसको यहाँ पर लाए और ये नेगेटिव पॉजिटिव इसको कनेक्ट कर दिया हमने जो है इससे, ठीक है। और इसमें चाहो तो एक की लगाना, चाहो की भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब यहाँ से हमने एक जो है सर्किट, यहाँ पर एक और सोर्स लगा देते हैं, और इससे यहाँ पर एक जॉकी लगा देते हैं। यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर है जो हमको करंट के बारे में बताएगा। ये तो हो गया भाई इसका, कि इस तरह से ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है, इस तरह से ये बना रहता है, ठीक है। अब इससे पहले हम जो है इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई किस प्रिंसिपल पे काम करता है और कैसे करता है। मेन चीज प्रिंसिपल है, किस तरह से काम करता है। ये काम करता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या चीज है पोटेंशियल ग्रेडियंट? एक तो हो गया ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, दूसरी चीज मान लो ये एक सर्किट है यहां पर, इसमें करंट जो है फ्लो नहीं कर रहा, या फिर करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए जितना करंट ये सोर्स डेवलप करता है उतना ही करंट ये सोर्स डेवलप करता है, तो इसमें जो करंट है वो हो जाती है जीरो। जितना करंट ये देगा उतना ही करंट ये देगा, तो करंट कितनी हो जाएगी, I is equal to जीरो। तो इसमें करंट कितना हो गया, जीरो। एक तो ये चीज, ठीक है। दूसरी चीज है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? देखो दोस्तों, ये वाली जो वायर है, देखो यहां से स्टार्ट है और यहां पर खत्म है, ठीक है, एक मीटर की है ये, यहां से यहां तक, फिर दो तीन चार पांच, पांच मीटर की होगी, यानी कि 5000 mm की, 5000 mm, और यहां पर इसका जो है मीटर स्केल लगा हुआ है, यहां पर जो है मीटर स्केल लगा रहता है, उसको अभी चलो हटा दो यहां पर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बात कर लेते हैं।
अब देखो ये वाली यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर हम मान लेते हैं खत्म है, या फिर चलो और आगे इसको बढ़ा देते हैं। वैसे यहाँ से और यहाँ तक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है V, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है 0। ठीक है, अब ये वाली जो वायर है इसको पूरा खोलते हैं और बाहर यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से और यहाँ तक की इसकी पूरी लेंथ है जो कि है L। यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ पूरी है L, और इसी में पोटेंशियल कितना है, V पोटेंशियल है यहाँ पे V, यहाँ पे 0। ठीक है, अब L लेंथ में V पोटेंशियल है तो 1 mm में कितना पोटेंशियल होगा? तो 1 mm में जब आप पोटेंशियल निकालोगे तो वो हो जाएगा V ओवर L। 1 mm पोटेंशियल, 1 mm जो ये वायर है उसमें पोटेंशियल कितना है, V ओवर L। अगर कोई लेंथ L है, मान लीजिए यहां तक के लिए ये लेंथ है L, अगर 1 mm में V ओवर L पोटेंशियल है तो L लेंथ में कितना होगा? तो L लेंथ में होगा V ओवर L मल्टीप्लाई बाय L। ये इसका जो है इसको हम नाम दे, इसका V2। ठीक है, इतनी लेंथ में V2 पोटेंशियल होगा जो कि V ओवर L मल्टीप्लाई बाय L होगा, ये चीज। ठीक है, और ये चीज दोनों हम इसमें अप्लाई करेंगे, देखो किस तरह से करेंगे। और इसी को यूज करके हम जो है ये वाला जो सोर्स है उसका क्या बताएंगे, पोटेंशियल बताएंगे कि भाई कितना पोटेंशियल है, और V ओवर L को हम लिखते हैं रो। तो V2 जो कि V2 है किसी लेंथ L के लिए, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहां से और यहां तक के लिए कितना है, रो टाइम्स L। ये तो, ये तो हो गया कि भाई पोटेंशियोमीटर इस तरह से काम करता है, और ये दो चीजें मैंने आपको बताई, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब देखो किस तरह से काम करता है, ये चौकी हमने उठाई यहां से और इसको इधर उधर इधर उधर खिसकाया, ठीक है, इसको इधर उधर स्लाइड किया, ले गए तो हमको मिल गया भाई ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर जाकर ये वाला जो यहां पर मीटर लगा हुआ है ये मान लो इस तरह से है यहां पर। ठीक है, जब इस पॉइंट से इधर पॉइंट की तरफ ले गई तो ये इधर डिफ्लेक्ट होता है, इस पॉइंट से इधर पॉइंट की तरफ लाए तो इधर डिफ्लेक्ट होता है, इस पॉइंट पर रखा तो ये ना तो इधर मूव करता है ना इधर मूव करता है, बिल्कुल जो है जीरो रीडिंग देता है, मतलब कि इसमें जो है जीरो करंट जा रहा है इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या जा रहा है, जीरो करंट इस पॉइंट पर, इस वायर में कितना करंट जा रहा है, जीरो करंट जा रहा है। यही वाली कंडीशन देखो कुछ इस तरह से, इसमें कितना करंट जा रहा है, जीरो। क्यों जा रहा है करंट जीरो, क्योंकि इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है वो नाम दे देते हैं हम V2, नाम दे दो, V दे दो, चलो V नाम दे देते हैं, पहले मैंने V2 दिया था ना तो चलो V2 भी मानते हैं, V2 है। ठीक है, V2 किसके बराबर है, V2 बराबर है यहां से और यहां तक का। अब इसको जब हमने पूरा खोला तो यहां से और यहां तक की लेंथ कितनी थी, रो एल, तो रो एल। ठीक है, ये वाला पोटेंशियल बराबर है किसके, इस सर्किट के पोटेंशियल के। ठीक है, सर्किट के पोटेंशियल के। अब देखो सर्किट का पोटेंशियल क्या होता है, हमको पता है टर्मिनल पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, अब यहां पर आई तो जीरो है, आई कितनी है, जीरो है, कोई भी करंट नहीं जा रहा, तो मतलब कि इसका जो सोर्स का पोटेंशियल है, सोर्स का पोटेंशियल इस सर्किट के लिए बराबर है इसके टर्मिनल पोटेंशियल के, जो कि बराबर है यहां से और यहां तक के पोटेंशियल के। तो जो E है वो बराबर है V, और V बराबर है V2 के। इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल है यहां से और यहां तक, मान लो टर्मिनल पोटेंशियल है, ठीक है, इसका जो E है वो बराबर है
वी के, इस वी के, और ये जो वी है ये बराबर है किसके, वी टू के। तो जो सोर्स है, सोर्स किसके बराबर हो जाएगा, रो एल के बराबर। जितनी इसकी लेंथ है मल्टीप्लाई बाय एक एमएम में जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसके बराबर। तो ये हमारा ई है जो कि बराबर इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इस सर्किट का उसके बराबर है। तो ये पोटेंशियल मीटर कुछ इस तरह से काम करता है। इसी को हम जो है यूज करेंगे इसके एप्लीकेशन में। दो सेल का जो है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल का ईएमएफ निकालने के लिए एक बार एक सेल लगाया, दूसरी बार दूसरा सेल लगाया, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अभी देखते हैं कैसे निकालते हैं उसको। अब इसमें ना क्या करते हैं हम एक और सेल यहां पर लगा देते हैं, इसको यहां से थोड़ा हटा देते हैं, ये हो गया भाई कुछ इस तरह से, और इसको कनेक्ट कर देते हैं यहां से। अब ये वाली की कुछ इस तरह की है कि यहां पर जो ये मीटर लगा हुआ है, एक बार तो हम इसको इससे कनेक्ट कर देंगे और एक बार फिर इससे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये इस तरह की जो है हमारे पास की हम इसमें लगाते हैं, और देखो पहले हम कनेक्ट कर देते हैं इसको इससे, ठीक है। अब इसे कनेक्ट किया, इसको ले गए फिर इस किसी भी पॉइंट पर, ये मान लेते हैं ये एल डी है भाई लेंथ, सॉरी यहां से नहीं ले रहा हूं मैं, ये यहां से और यहां तक की लेंथ एल है। एल के लिए हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये वाला जो सोर्स है ई या फिर ई वन कितना है, रो एल, सही बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं इसको यहां से हटा देते हैं, अब इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, क्या दिक्कत है, और इससे इसका हटा देते हैं। अब इससे को मतलब रहा नहीं क्योंकि इसे कनेक्ट नहीं है, अब ये इससे कनेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा यहाँ इस पे ले जाते हैं और इधर उधर हिला डुलाते हैं, तो देखते हैं कि भाई ये किसी दूसरी लेंथ पर जाकर यहाँ पर ये जो है हमको करंट की वैल्यू जीरो देता है किसी दूसरे पॉइंट पर। ये लेंथ हो गई L2। अब अगर ये लेंथ L2 है तो E2 कितना हो जाएगा इसके लिए, रो L2, ठीक है। तो E1 ओवर E2 बराबर L1 ओवर L2, ये चीज निकलकर कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ में हमारे पास निकलकर आ जाएगी। कुछ नहीं है, बस सिंपल सा वही कंसेप्ट है, किस पॉइंट पर हम टच कर रहे हैं वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय एक एमएम में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, या फिर एक एमएम का कितना पोटेंशियल है, ठीक है। अब उनको हम बराबर क्यों कर रहे हैं, उनको हम बराबर क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि मान लो हमने ये वाला सर्किट लिया है, ये वाला, चलो हटाओ इसको, ये तो हमने निकाल दिया, पहले वाले को ही रखते हैं पहले की तरह ही, ये इससे कनेक्ट है। अब ये वाला पॉइंट है, मान लो ये लेंथ एल है, दोबारा से समझा रहा हूं कि यहां पर जो है करंट जीरो जा रही है, करंट जीरो जा रही है, तो मतलब कि ये वाला देखो ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ठीक है। और ये जो है यहां पर जाकर ये इससे कनेक्ट है ना, ऐसे करके ऐसे नेगेटिव टर्मिनल से, तो यहां पर नेगेटिव टर्मिनल, तो यहां से और यहां तक का जो पोटेंशियल है इस वायर के अंदर, ठीक है, सॉरी यहां से ऐसे करके ऐसे ये, ठीक है, ये जो पोटेंशियल है टर्मिनल पोटेंशियल है वो बराबर है इसके, वो बराबर है इसके। अब इसमें करंट जा रही है जीरो, तो इसका जो अगर इसमें करंट जा रही है जीरो तो इसमें V बराबर है E के, क्यों, क्योंकि V बराबर होता है E माइनस आई आर, यहां पर I है जीरो, तो इसका जो सोर्स का जो पोटेंशियल है वो बराबर है V के, किसके V के, इस टर्मिनल V के, इसका जो टर्मिनल डिफरेंस है इसका, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर है
इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के पोटेंशियल के, जो कि बराबर कितना है रो एल। दोबारा से ठीक है, ये हो गया इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस और निकालते हैं कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लो यही सोर्स है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको निकालना है, और इसमें हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया और यहाँ पर एक की लगा दी, की लगाकर इसको यहाँ पे लगा दिया ठीक है, और यहाँ पर एक और की लगा देते हैं, चलो ये की K1 और ये की K2। पहली कंडीशन में हम की टू को ओपन रखते हैं, की वन को बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। जब हमने की वन को क्लोज किया तो यहाँ से ये सर्किट जो है इससे ज्वाइन हो गया, ये अभी खुला हुआ है यहाँ से, और ये है रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका रेजिस्टेंस R मान लेते हैं। अब ये वाला वही सर्किट बन गया इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे तो करंट जा नहीं रही, यहाँ पे इस तरह से सर्किट में करंट जो है फ्लो कर रही है। अब इसको हमने किसी एक पॉइंट पर लिया, वो लेंथ मान लेते हैं फिर दोबारा से L है, तो इसका कितना हो गया E1, सीधा सीधा निकाल लेते हैं रो L ठीक है। अब दूसरा क्या करते हैं, दूसरे कंडीशन में हम इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। अब जब हमने इसको कनेक्ट किया, अब इसको फिर दोबारा इधर उधर इधर उधर मूव कराते हैं और हम देखते हैं भाई अब की बार ये इस पॉइंट पर जाकर जो है जीरो दिखाता है करंट को, इस पॉइंट पर जाकर जो है ये जीरो दिखाता है करंट को। तो यहां पर करंट जीरो है ठीक है, यहां पर तो करंट जीरो है ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यहां पर तो करंट फ्लो कर रहा है ना इस तरह से, यहां पर तो करंट फ्लो कर रहा है, तो यहां का जो पोटेंशियल है, यहां का और यहां का जो पोटेंशियल है जो कि है V, जो कि बराबर है, अब कोई लेंथ दूसरी लेंथ है, अब ये लेंथ और ये लेंथ अब चेंज हो गई, मान लेते हैं L2, बराबर हो जाएगा रो L2 के, रो L2 के, लेकिन यहां पे तो करंट जीरो है, लेकिन यहां पे करंट जीरो नहीं है, तो यहां पे जो है इसका सोर्स कितना होगा, सोर्स का पोटेंशियल कितना होगा और टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा। अब देखो ये वाला पोटेंशियल यहां से और यहां तक का, ये अपने अंदर तो जो है करंट फ्लो नहीं करने दे रहा ठीक है, लेकिन सोर्स अंदर ही अंदर क्या कर रहा है, करंट को जो है मूव करा रहा है, तो इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो तो बराबर है इसके ठीक है, लेकिन इसका सोर्स का तो अपना कुछ पोटेंशियल है जिसके कारण इसमें करंट मूव कर रहा है, मतलब कि आई जीरो नहीं है, यहां पर तो आई जीरो है लेकिन इसमें आई जीरो नहीं है। अगर आई जीरो यहां पर नहीं है तो इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल है, इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, यहां से और यहां तक इसका टर्मिनल पोटेंशियल इसके टर्मिनल पोटेंशियल के तो बराबर है ठीक है, लेकिन इसके अंदर अंदर जो इसका टर्मिनल पोटेंशियल है वो बराबर किसके है E माइनस आई आर के ठीक है। तो V की जगह हम सीधा कितना लिख देंगे रो L टू, ये वाला जो रो L2 है वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, ये वाला टर्मिनल पोटेंशियल जो कि हमने मान लिया V या फिर V2, पहले तो V मान लिया ना, V2 मान लो, ये वाला और ये वाला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है इस टर्मिनल पोटेंशियल के, लेकिन इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, इसके अंदर अगर करंट फ्लो कर रही है तो E बराबर किसी होता है V प्लस आई आर के, इसके अंदर जो सोर्स है वो कितना पोटेंशियल है इतना पोटेंशियल है। अब ये क्या है, ये टर्मिनल पोटेंशियल है, ये टर्मिनल पोटेंशियल है, ये टर्मिनल पोटेंशियल इस टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर है ठीक है दोस्तों। तो इसको हम चाहे तो यहां पर जो है सीधा लिख देंगे, लेकिन हमको तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है ना, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो यहां पर आई की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, हम आई की जगह पुट करते हैं आई इज इक्वल टू वी ओवर, क्योंकि इसका टर्मिनल पोटेंशियल इस वाले टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर है, तो I इज इक्वल टू V ओवर रेजिस्टेंस R
ठीक है, हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये हो गया वी प्लस वी आर ओवर आर इज इक्वल टू ये वाला, सॉरी आर है यहाँ पर, ठीक है। अब वी कॉमन निकाल लेते हैं, तो वी कॉमन निकाल लिया इसमें से, तो इसमें से वी को कॉमन निकालने के बाद, यार वी को कॉमन मत निकालो क्योंकि हमको इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो इसको ना सीधा यहाँ पे ले आओ, वी को इधर कर देते हैं, ए माइनस वी, अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर और वी को ले आते हैं इसके नीचे, तो इसके नीचे तो आ गया वी और ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हम इस तरह से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल देंगे। क्या चीज यूज करनी है? इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल है, ठीक है, वो इसके टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर है, ठीक है, और इस सर्किट के अंदर करंट जीरो नहीं है। अगर करंट जीरो नहीं है तो ये रिलेशन लगाया E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, ठीक है। अब I की जगह क्या लिखा हमने, I इज इक्वल टू वी ओवर आर। अब जो इसका टर्मिनल पोटेंशियल है वो इसके बराबर है, अब इसी V को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, इस V को हमने यहाँ पर लिख दिया। ये वाला तो V हो गया इसका, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों सेम है, और इस I की जगह क्या लिख दिया, I इज इक्वल टू वी ओवर आर यहाँ पर लिख दिया, और ये हमने इंटरनल रेजिस्टेंस जो है निकाल लिया। देखो मेन चीज़ घूम फिर कर उसी पर आती है, क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, और दोनों तरफ फ्लो करने वाली करंट जहाँ पर जीरो होती है उस पॉइंट पर, और वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय रो, पोटेंशियल ग्रेडियंट पर ही सारी की सारी चीज़ इसमें जो है डिपेंड कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है पोटेंशियल मीटर, सॉरी पोटेंशियल मीटर और ये इसके एप्लीकेशन जो है EMF निकालना और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो विकास मलिक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।